एहसास हो मैं प्यार करूं कर दूंगी तुम्हें बात। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा है स्टार्टिंग में, और आप यहां पर इस तरह के वीडियो बनाइएगा तो आपका वीडियो 100% पर वायरल होने वाला है। तो आपको टिकटॉक पर ऐसा वीडियो बनाने नहीं आता है तो इस यूट्यूब को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी जानकारी हो जाएगी और अपनी वीडियो को खुद आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आपको अपने मोबाइल से इस प्रकार वीडियो को शूट कर लेना है जो कि कैमरे से। उसके बाद अपने काइंड मास्टर को ओपन कर लेना है वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपने काइंड मास्टर ऐप को ओपन कर लेंगे। तो अपने काइंड मास्टर ऐप को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस के साइन पर चले जाएंगे और 9:16 इसी पर जाएंगे टिकटॉक के लिए। तो यहाँ पर मीडिया पर जाएंगे, जो हम अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किए हैं वो वीडियो वो ले लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए, यहाँ पर एक्टिंग करके वीडियो रिकॉर्ड किए थे, ये वाला है। और जो साउंड अभी ट्रेंड पर चल रहा था वो साउंड टिकटॉक से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। अगर डाउनलोड आपको नहीं मिल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे आईडी का, वहाँ पर से आप सॉन्ग ले लीजिएगा। तो ये है वो सॉन्ग ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए पीछे का पार्ट ब्लैक आ रहा है तो ब्लैक वाला पार्ट को डिलीट कर देंगे। ट्रिमर पर जाएंगे और पीछे का पार्ट को डिलीट कर देंगे और इसका साउंड हम लोग ले लेंगे। इसके साउंड पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम सैड हो रहे हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे, फिर कैंची पर स्प्लिट टू प्ले हेड कर देंगे। यहाँ से क्या हुआ, बीच का पार्ट कट जाएगा। फिर इस पर जाएंगे और स्पीड पर जा करके ये वाला पार्ट को पीछे की तरफ करेंगे तो ये पार्ट स्लो मोशन हो जाएगा। तो हमें स्लो मोशन ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वीडियो को, ये वाला पार्ट इतना तक रहने देंगे। कैंची से पीछे ट्रिम टू राइट कर लेंगे और यहाँ इसका भी ट्रिम टू राइट कर लेंगे। तो देखिए हमारा वीडियो बन के तैयार हो गया है। तो ये वाला पार्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे और वीडियो वाला साउंड था जो कैमरा का उसको ऑफ़ कर लेंगे यहाँ पर से जा कर के। उसके बाद यहाँ शेयर सेटिंग पर है, सेटिंग पर जाएंगे, वीडियो फेड आउट को डिसेबल कर देंगे और शेयर के ऑप्शन पर जा कर के, शेयर के ऑप्शन पर जा कर के वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे हम लोग।